रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट का मतलब क्या है? आप एक चीज देखो कि जब आप ईएमएफ अप्लाई करते हो ई साइन ओमेगा टी, करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये ईएमएफ और करंट्स ओमेगा पे डिपेंडेंट है, ओमेगा फर्दर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं या चेंज करते हैं, है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट के करंट में या ईएमएफ फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा हूँ मैं, डीसी के अंदर प्रॉब्लम ही नहीं थी, डीसी हमेशा फ्लैट है। तो कभी ऐसा सुना आपने कि मैंने डीसी करंट चेंज किया, रेजिस्टेंस आर चेंज हो गई? नहीं, आर तो मटेरियल पे डिपेंड करती थी, आर तो कभी चेंज होती नहीं थी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आर तो चेंज नहीं होगी, पर फ्रीक्वेंसी चेंज करने से दो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, एक एल ओमेगा और एक वन बाय सी ओमेगा। जब आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो ओमेगा इंक्रीज होगा, ओमेगा इंक्रीज होगा तो एक्सएल इंक्रीज होगा, यहाँ पर ओमेगा इंक्रीज होगा तो एक्ससी डिक्रीज होगा। अब इससे क्या होगा, इससे आपकी जो इम्पिडेंस है ओवरऑल वो भी चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी, आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। जब ओमेगा चेंज होगा तो ये दोनों चेंज होंगे, तो ये भी चेंज होगा। जब ये चेंज होगा तो उस केस में, जब ये चेंज होगा तो सर्किट का करंट भी चेंज होगा। तो यानी कि फ्रिक्वेंसी चेंज करने से हर चीज़ अफेक्ट हो रही है, ठीक है। अब मान लो आपके पास फ्रिक्वेंसी पहले ए सी की लो थी, तो फ्रिक्वेंसी का मतलब समझते हो, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक स्टूडेंट ने करंट को ऐसे सेंड किया, दूसरे ने एक मशीन है, मशीन में उसने ऐसे सेंड किया, करंट की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, पर जल्दी जल्दी सेंड किया। अब जल्दी जल्दी चेंज करने का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, उसकी मर्जी है कैसे सेंड करे, तो उसने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। अब मान लो पहले फ्रीक्वेंसी लो थी, पहले मशीन से काम कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी लो थी, सीरीज एलसीआर सर्किट लगा हुआ है, फ्रीक्वेंसी लो थी तो एक्स एल की वैल्यू लो थी, एक्स सी की वैल्यू हाई थी। फ्रीक्वेंसी बढ़ानी शुरू कर दी तो एक्स एल बढ़ना स्टार्ट हो गया लेकिन एक्स सी कम होना स्टार्ट हो गया, और फ्रीक्वेंसी बढ़ी, एक ऐसा पॉइंट आया जब एक्स एल एक्स सी के इक्वल हो गया। तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी एक स्टूडेंट ने जब एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू बराबर हो गई। तो अगर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट हो गई जब एक्स एल और एक्स सी बराबर हो गया, अगर एक्स एल और एक्स सी बराबर हो गया तो ये टर्म तो कट गई ना, ये तो गई, तो आपका जेड उस केस में क्या आ जाएगा, मिनिमम, मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू उसकी क्या होगी, आर। और अगर आपका जेड मिनिमम आ गया तो आपका करंट ऑटोमेटिकली क्या आ गया, मैक्सिमम। क्लियर है यहां तक? तो करंट मैक्सिमम आ जाएगा आपका। तो इसका मतलब अगर आपने एक्स एल एक्स सी के, आपने ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट की ओमेगा की एक्स एल एक्स सी के इक्वल आ जाए, तो उस केस में जेड मिनिमम और करंट मैक्सिमम आ गया। और जब एक्स एल एक्स सी के इक्वल है तो एक्स एल एल ओमेगा है, एक्स सी वन बाय सी ओमेगा है, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, वन बाय एल सी, तो ओमेगा क्या आएगा, वन बाय अंडर रूट ऑफ एल सी। ओमेगा क्या होता है, टू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, वन बाय अंडर रूट ऑफ एल सी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी, वन बाय टू पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। तो इतनी फ्रीक्वेंसी पे एक्स एल एक्स सी के इक्वल होता है, जेड मिनिमम होता है और आई मैक्सिमम होता है, तो इस ओमेगा को हम नाम देते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये सब फ्रीक्वेंसीज कौन सी हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब जब एक्स एल एक्स सी के साथ मैच कर जाता है, रेजोनेंस कर जाता है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, तो ऐसे केस में फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट हमेशा क्या पाया जाएगा एलसीआर में, मैक्सिमम। क्लियर है यहां तक? तो ये आपकी शीट में सारा लिखा हुआ है, ये देखो। तो देखो यही लिखा हुआ है, रेजोनेंस कंडीशन ऑफ एलसीआर सर्किट। इसमें क्या लिखा हुआ है, सीरीज एलसीआर में अ सर्किट इज सेड टू बी रेजोनेंस कंडीशन व्हेन करंट थ्रू इट इज इन मैक्सिमम। ताकि सीरीज में एलसीआर में करंट जब मैक्सिमम होगा तो रेजोनेंस कंडीशन है,
मतलब और मैक्सिमम कब होगा, करंट क्या होता है E अपॉन Z, और मैक्सिमम कब होगा जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, मिनिमम कब होगा जब ये वैल्यूज बराबर होंगी, ये बराबर होंगी तो ओमेगा क्या होगा 1/√LC, ओमेगा क्या होता है 2/2 फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो करंट इसमें क्या होगा मैक्सिमम। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर आप LCR सर्किट ले, ठीक है, आपने अलग अलग R, LC अलग अलग सर्किट्स लिए, दो तीन सर्किट्स ले लिए, उसमें आपने देखा कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेट की 1/√LC, तो आपने देखा पहले सर्किट के अंदर करंट मैक्सिमम आया इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, दूसरे पे भी मैक्सिमम, तीसरे, हाँ इनकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती हैं लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट आएगा क्या हमेशा मैक्सिमम पीक वैल्यू ही आएगी। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? तो अब इसके अंदर ये एक वेरिएशन है, मतलब करंट अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लो है तो करंट आपका लो ही रहेगा, लेकिन अगर आप ओमेगा बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, और एक ऐसा ओमेगा आएगा रेजोनेंट जब करंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम ई नॉट बाई आर, क्योंकि जेड तो होगा नहीं, जेड आर के इक्वल हो जाएगा रेजोनेंस पे, एक्सएल एक्सी कैंसिल हो जाएगा, तो जेड क्या हो गया आर, और फिर उसके बाद क्या हो गया आपने ओमेगा को बढ़ाया तो करंट इससे ऊपर बढ़ नहीं पाएगा, उल्टा कम हो जाएगा, तो जो ग्राफ इधर वो ग्राफ इधर सिमेट्री में हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने ओमेगा बढ़ा दिया फिर आपका जो XL है वो बढ़ जाएगा और XC आपका कम हो जाएगा, पहले ऐसे था सिचुएशन ऐसी हुई अभी ऐसी हो जाएगी, तो आपका ग्राफ सिमेट्री में बनेगा। तो ये खास फ्रिक्वेंसी है ओमेगा आर जब करंट क्या होगा मैक्स ई नॉट बाई आर, ई नॉट बाई आर मैंने किया हुआ ये रहा, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है? इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लेफ्ट और राइट पे इक्वी डिस्टेंट पे, इंपॉर्टेंट है इक्वी डिस्टेंट पे दो और फ्रीक्वेंसीज हैं ओमेगा वन और ओमेगा टू। ये वो वैल्यूज हैं जब करंट ओमेगा वन पे भी उतना ही है, ओमेगा टू पे भी उतना ही है, और कितना, जितना मैक्सिमम था डिवाइडेड बाय रूट टू, मैक्सिमम क्या था ई नॉट बाय आर डिवाइडेड बाय रूट टू। तो जब 1/√2 वैल्यू हो जाती है तो उस ओमेगा की दोनों वैल्यूज पे ऐसा हो सकता है, उन दोनों वैल्यूज को किससे रिप्रेजेंट किया ओमेगा वन एंड ओमेगा टू। ठीक, क्या सिग्निफिकेंस है बताता हूँ इसका, ठीक, क्यों हमने नोट की वैल्यूज। तो इस पूरी कहानी से ये समझ में आया कि जब रेजोनेंस की बात होती है तो इम्पीडेंस बिकम प्योरली रेजिस्टिव, तो जेड किसके इक्वल आ जाता है आर के इक्वल आ जाता है। सेकेंड पॉइंट है करंट सर्किट में क्या हो जाता है मैक्सिमम हो जाता है। तीसरा पॉइंट है पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम हो जाती है, क्यों पावर डिसिपेटेड क्या होती है आई स्क्वायर आर हीटिंग अफेक्ट, आर आई स्क्वायर आर आर, क्योंकि इसके इसमें आई मैक्स है तो पावर भी मैक्स हो जाती है। करंट इज इन फेस विद वोल्टेज, क्योंकि जेड आर के इक्वल हो जाता है रेजोनेंस पे, तो कॉस फाई वन हो जाता है, फाई जीरो हो जाता है, तो रेजोनेंस पे ये कंडीशन भी ट्रू है। सीरीज रेजोनेंस सर्किट जो अभी हमने LCR सर्किट किया सीरीज में, उसकी जब रेजोनेंस हुई, रेजोनेंस होने का मतलब एक खास फ्रीक्वेंसी जब XL XC के इक्वल हो गया, उस सर्किट का दूसरा नाम है सीरीज रेजोनेंट सर्किट। तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट का मतलब LCR सर्किट जिसकी क्या हुई हुई है रेजोनेंस, यानी कि XL किसके इक्वल है XC, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है जब XL XC के इक्वल है, उसको सीरीज रेजोनेंस सर्किट बोलते हैं। इस सर्किट का दूसरा नाम है जब रेजोनेंस हो जाती है एक्सेप्टर सर्किट। अब क्यों बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट, एक्सेप्टर सर्किट इसलिए बोलते हैं क्योंकि होता क्या है इसमें, समझने वाली बात यह है कि, और एक्सेप्टर सर्किट के साथ मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, सीरीज LCR सर्किट की जब रेजोनेंस होती है ना, तो जो रेडियो आप कार में या उसमें सुनते हो मोबाइल में, तो ये रेडियो का काम करता है, रेडियो इससे बनता है सीरीज LCR इन रेजोनेंस। कैसे समझाता हूं, इमेजिन करो आपने रेडियो को ट्यून किया 92.7, अब क्या करते हो ट्यून करते हो बटन दबा देते हो, रेडियो कुछ तो करता है ऐसा बटन दबाने के बाद, फिर वो गाने 92.7 के सुनाता है, 93.5 के नहीं सुनाता, 107 के नहीं सुनाता, और रेडियो चैनल नहीं सुनाता, तो 92.7 ही सुनाता है। ऐसे ही है वो क्या करता है, वो समझ जाता है कि आप रेजोनेंस करना चाहते हो 92.7 पे, तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी को ऐसे सेट करता है कि वो खुद की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या कर लेता है 92.7। तो हवा में बहुत सारे रेडियो स्टेशंस के
वेव्स आ रही हैं 92.7 की भी, 95 बहुत ही वेव्स आ रही हैं, जो ट्यून करोगे वहाँ का गाना बनना बजना स्टार्ट हो जाएगा। अब रेडियो का जो एंटीना है वो सारे सिग्नल एट अ टाइम कैच करता है, उसको क्या पता बेचारे को क्या कैच कर रहा है, सारी कैच कर रहा है, पांच सिग्नल पांच के पांच कैच कर रहा है। सुनना आप एक चाहते हो तो आप एक सेलेक्ट करना चाहते हो और बाकी रिजेक्ट करना चाहते हो। तो आपने बटन दबाया 92.7, रेडियो को समझ में आ गया कि आपकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी 92.7 है, तो 92.7 का जो सिग्नल वो कैच करेगा और बाकी भी कैच करेगा, 92.7 के सिग्नल का करंट उस टाइम क्या आएगा, मैक्सिमम। बाकियों का आएगा नहीं मैक्सिमम, क्योंकि बाकियों की आपने रेजोनेंस नहीं करवाई। आपने रेजोनेंस किसके ऊपर करवाई, 92.7 की, और हमने ये क्या स्टडी किया कि 92.7 अगर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है तो करंट मैक्स आएगा, बाकियों में मैक्स आएगा ही नहीं। तो रेडियो को समझ में आ जाएगा, उसमें फिल्टर लगे होते हैं, वो फिल्टर सेलेक्ट कर देते हैं कि 92.7 सेलेक्ट हुआ था, करंट इसमें मैक्स है, बाकियों में नहीं मैक्स, बाकियों को उड़ा देगा, एक को सिलेक्ट करना शुरू कर देगा। कैच इकट्ठे पांचों के पांचों करता है, पर साथ में एक्सेप्ट एक करता जाता है, बाकी अपना फिल्ट्रेशन होती रहती है, आप एक किस्म का ही गाना सुन पाते हो एक स्टेशन का। तो ये इसका LCRN रेजोनेंस का काम है, ठीक। तो यही बताया हुआ है, इसलिए इसको एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है, बाकियों को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक। तो